सबसे पहले तो जो आपकी आपके मन में जो प्रश्न है, मेरा जनता दल यूनाइटेड से अलग होना और नीतीश जी से जो मेरा संबंध है उसको लेकर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नीतीश जी से जो मेरा संबंध अभी तक रहा है वो विशुद्ध राजनीतिक संबंध नहीं रहा है। 2014 नवंबर में दिल्ली में पहली बार मैं और नीतीश जी मिले थे, उसके बाद से नीतीश जी ने जिस तरह से मुझे अपने साथ रखा है वो किसी बेटे के जैसे ही रखा है और उतने स्नेह से मुझे रखा है। जो लोग मुझे जानते हैं, नीतीश जी को जानते हैं, जिन्होंने देखा है हमारे संबंधों को, वो कई लोग ये बात आपको कन्फर्म करेंगे कि उन्होंने मुझे अपने बेटे जैसा ही रखा है, जब मैं उनके दल में था तब भी और जब दल में नहीं था उससे पहले उनके साथ काम कर रहा था तब भी, और कई मायनों में मैं भी उनको अपना पितातुल्य ही मानता हूँ। इसलिए नीतीश जी ने जो भी डिसीजन लिया है मुझे पार्टी में शामिल कराने का, उसके बाद पार्टी से निकालने का, उनके सारे फैसलों को मैं सहृदय स्वीकार करता हूँ और उस पर किसी भी तरह का कोई विवाद या टीका टिप्पणी अभी भी नहीं करना चाहता हूँ और आगे भी नहीं करना चाहता हूँ। ये उनका प्रीरोगेटिव है, ये उनका एकाधिकार था और आगे भी रहेगा। वो पार्टी में रखना चाहते थे तो अच्छी बात है, और पार्टी में नहीं रखना चाहते हैं तो भी ये उनका अधिकार है, इस बात के लिए उनका सम्मान है। मेरे मन में उनके प्रति जो आदर है, जो पहले था वो आज भी है और आगे भी वैसे ही रहेगा। अब मेरा जब उनसे इतना अच्छा संबंध रहा है तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि आखिर हम लोग में मतभेद किस बात का है,